music. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अभी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल, जो इस तरह की एडिटिंग वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम रील्स पर। आप देखे ही होंगे रील्स पर इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करे। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो मटेरियल का यूज हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देन चलेंगे फोन के स्क्रीन पे, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आई फ्रेंड्स, चलते फोन के स्क्रीन पे, ओपन करते काइनमास्टर एप्लीकेशन को। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस है, क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे 916 का जो एस यू आर है, सिंपली आपको टैप करना है, टैप करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना और फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया, तो इस वीडियो को आप सिंपली ले लीजिएगा। लेने के बाद दोनों फिंगर की मदद से इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा जूम कीजिएगा यहाँ पे, इसे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से दोनों फिंगर की मदद से जूम कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आप जो ये 5 पॉइंट देख सकते, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैश आता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैश आता है, तो यहीं पे आपको थोड़ा सा कट करना है। तो यहाँ पे 5.60 पे आ जाइएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 60 के बाद जाइएगा तो इमेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ट्रिमर का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे एस्प्लिटेड प्लेहेड कर लीजिए, तो सिंपली ये दो पार्ट में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ से बैक आइए, बैक में नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, ऑडियो आपका नीचे आ जाएगा। देन यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट है, तो वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मीडिया पर क्लिक कीजिए, फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी जो भी इमेज इस एडिटिंग के लिए आप यूज करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इमेज हैं जिसे मैं सेलेक्ट कर लेता, तो आपको सिंपली यहाँ पे 5 इमेज सेलेक्ट करने हैं। जो भी इमेज आप वहाँ पर लगाना चाहते, थोड़ा क्वालिटी बेटर रखिएगा इमेज का, और यहाँ पे इमेज आपको सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इमेज है जिसमें से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ गर्ल्स की इमेज ही आपको देखने को मिल रही होगी, तो मैं सिंपली यहाँ से 5 गर्ल्स की इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद 5 हो गए, या फिर एक और मैं ले लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा होगा उसमें बाद में हटा देंगे। अब इसके बाद इस साइड में आ जाएगी। इधर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आप थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ 590 पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 590 पे मैं परफेक्टली आ चुका हूँ। यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कीजिए, ट्रिमर पर क्लिक कीजिए, इसे टर्म टू राइट अप्ले कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा होगा यहाँ से कट जाएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा, ठीक है। बैक आने के बाद इमेज पहले से ही सेलेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब ट्रिमर के बगल में जो डबल लेयर से दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली टैप करना है, इसे इक्वल कर लेना है। दो बार स्क्रीन पर इस तरह से हल्का हल्का टैप कीजिएगा, तो आपका इमेज जो होगा पूरे स्क्रीन पर फुल स्क्रीन में आ जाएगा। देन यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए, इसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले इमेज को सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको 635 तक इसे रखना है, तो थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल कीजिए और देख लीजिएगा ऊपर टाइमिंग आपको दिख रहा होगा, तो 635 पीस रखेंगे, ट्रिम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा बच गया उसे टर्म टू राइट अप्ले हिट करेंगे। देन यहाँ से बैक आएंगे, डबल लेयर्स पर क्लिक करेंगे, इसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद सिंपली डबल टैप इस पर कर देंगे स्क्रीन पे, तो देख सकते हैं फुल स्क्रीन में आ गया। देन यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, फिर से नेक्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा, इसे आपको 710 पे आपको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, और 7 परफेक्टली यहाँ 10 में कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन ट्रिमर पर क्लिक कीजिए, इसे टर्म टू राइट अप्ले हिट कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा कट गया यहाँ से बैक आइए, बैक में डबल लेयर्स पर क्लिक कीजिए, इक्वल कीजिएगा और इसे फुल स्क्रीन कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। इसका जो जो टाइमिंग यहाँ पे देना है उसका लिंक मैंने स्क्रीन पर मैं आपको दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा, इस तरह से आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 ठो तो हो गए यहाँ पे, अब चौथा वाला करना है। तो चौथा वाला आपको 710 तो ये वाला था, अब यहाँ पे आपको 775 पे रखना है, ठीक है। तो इसे आगे की तरफ कर लीजिएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा और जाएगा, ये देख सकते हैं 775 यहाँ पे परफेक्टली हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्रिमर पर क्लिक कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा बच गया ट्रिमर पर क्लिक करके टर्म टाइट अप्ले हिट कीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट में बचा तो इसे पूरा बराबर कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिएगा। अब दोनों इमेज को यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेंगे, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, डबल लेयर्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसे डबल टैप यहाँ पे कर देंगे इक्वल करने के बाद, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा, और इसे पहले वाला जो इमेज है उसे भी मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मैं इसे भी कर देता हूँ इक्वल करेंगे, डबल लेयर दो बार टैप कर देंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे ये फुल स्क्रीन में हो गया। अभी जब यहाँ पे ये प्ले होगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्लैश इफेक्ट मैंने नहीं दिया है, बट आप चाहे तो इमेज पे इस वीडियो के बाद जस्ट बाद यहाँ पे कोई फ्लैश इफेक्ट अगर आपके पास कोई वीडियो हो तब देख सकते हैं, जो कि मीडिया पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के यहाँ पे सिंपली डाउनलोड में चलेंगे, और फ्रेंड्स डाउनलोड में चलने के बाद एक वीडियो मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे ले लीजिएगा। मैं उसे ढूंढ लेता हूँ जल्दी से, फिर वीडियो आगे के लिए चलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो जो कि मैंने आपको दे दिया था, इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे इस तरह से स्क्रॉल कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स इसे जूम कीजिएगा पूरे स्क्रीन पे, दैन नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और इसे स्क्रीन कर दीजिए। स्क्रीन करने के बाद इसके जस्ट बाद में आइएगा जहाँ वीडियो पर समाप्त हो रहा है आपका, और यहाँ से बैक आइएगा, ट्रिमो पर क्लिक कीजिएगा, और ट्रिमो पर क्लिक करने के बाद इसे टर्म टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वहाँ से कट जाएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी आप इसे प्ले करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, तो सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के लिए जो ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करना सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करी, तो इसे आप किसी भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। तो दोस्तों वीडियो जैसे भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी एक दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।